हेलो जी, आप सब कैसे हो? सब बढ़िया। तो चलिए, आज कुछ चटपटा सा, स्पाइसी सा और गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा था, तो आज हम चिली पनीर बनाएंगे। चिली पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, चिली पनीर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जिससे क्या है कि पनीर के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। तो देखिए, इसको हमें हाथ से टॉस करना है, बस हाथ से नहीं लगाना है इसको, क्योंकि हाथ में लगाएंगे तो मिर्ची के हाथ हो जाएंगे ना, इसलिए। तो इस तरीके से हम इसको टॉस कर लेंगे और साथ ही अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इससे क्या कि पनीर के पीसेस चारों ओर से कोट हो जाएंगे कॉर्नफ्लावर से, तो फ्राई करने में ये बिखरेंगे नहीं। तो कॉर्नफ्लावर को भी हमें इसी तरीके से टॉस करते हुए इसके ऊपर कोट करना है, इसको हाथ से नहीं करना है। तो देखिए, उसके लिए हमने पैन में ऑयल पहले ही गर्म कर लिया है 2 टेबल स्पून और इसमें हम आज शैलो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, पनीर के पीसेस को एक एक करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना, वरना वो सभी चिपक जाएंगे तो अच्छी चिली पनीर नहीं बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने सारे पनीर के पीसेस डाल दिया और इन सबको अलट पलट के हम इसको अच्छे से गोल्डन होने तक हम सेक लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसको फ्राई करना है, अलट पलट करना है इसको। थोड़ी देर में ये सिक जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे और इस तरीके से आप चिली पनीर बनाएंगे ना, तो चिली पनीर बहुत टेस्टी बनेगा और इसमें पनीर के अंदर एक बाइंडिंग मिल जाती है इस तरीके से। तो देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हमें इन सभी को प्लेट में निकाल लेंगे, पनीर के पीसेस को। तो देखिए, पनीर सारे हमने निकाल लिए, बढ़िया क्रिस्पी पनीर हो चुके हैं। अब इसको हम साइड कर देते हैं और अब हम इसी पैन के अंदर चिली पनीर की सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए, अभी इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, इसमें से थोड़ा सा हम ऑयल निकाल देंगे और अब हम इसी ऑयल के अंदर हम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें इसमें मीडियम ही रखना है। जैसे ही लहसुन भून जाएगा, तुरंत उसके बाद ही हम इसके अंदर प्याज को ऐड करेंगे। तो हम इसके अंदर डाइस किए हुए अनियन ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमने पहले से ही कट करके रखा है स्क्वायर पीस में, डाइस में, और इस समय हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। हल्का सा ही अनियन को डॉस करेंगे और उसके बाद ही हम डाइस किए हुए हम कैप्सिकम भी डाल देंगे इसमें। तुरंत ही हमें डालना है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तक हमें इन सब चीज़ों को कुक नहीं करना, क्योंकि इसमें क्रंच बना रहना चाहिए, तभी चिली पनीर टेस्टी बनता है। तो देखिए, ये हो चुका है और अब हम इसी बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप, और साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, तो जिससे क्या है कि इसकी सॉस बहुत अच्छी सी बनके तैयार होगी। तो देखिए, इसमें 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, घुल जाना चाहिए कॉर्नफ्लावर अच्छे से। तो देखिए, ये भी हो चुका है और अब हम 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें, और थोड़े से हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि काफ़ी स्पाइसी बनाना है हमें इसमें, और थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। और देखिए, अब इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए, और इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम तुरंत ही हम इसके अंदर जो अभी हमने कॉर्नफ्लावर का घोल बना के रखा था ना, वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें इस समय हाई रखना है। इसको मिक्स करते हुए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। अभी तक हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया था, इसलिए हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि सारी सॉसेज में भी अपना अपना नमक होता ही है। तो देखिए, एक इसमें उबाल आ चुका है और अब हम तुरंत ही इसके अंदर पनीर ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करना, क्योंकि हम इसके अंदर पनीर के अंदर थोड़ा क्रंच रहना चाहिए ना, इसलिए। तो जैसे ही हम इसको टॉस करेंगे और तुरंत ही हम इसको सर्व कर देंगे। तो देखिए, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर ही, और देखिए, सॉस आपको जितनी रखनी हो इसके अंदर, उतना आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिए, उतनी ही आप इसके अंदर सॉसेज ऐड कीजिए। तो देखिए, इस तरीके से चिली पनीर बनके तैयार हो चुका है और इसको अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी सा चिली पनीर बनके तैयार हो चुका है और आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया है और अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको चिली पनीर की वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, चिली पनीर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी सा बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा और खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो देखिए, इस पर हमने स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर दिया है और साथ ही अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सेसमी सीड स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको सेसमी सीड पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
तो देखिए चिली पनीर बनके तैयार है, आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।